3, 2, 1। हेलो, प्रस्तुत है जानकारी। गर्मी के ऋतु में जरा ख्याल रखें, इन दिनों तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। रेगिस्तानी मरुस्थली इलाकों में तेज भीषण गर्म हवा लू चल रही है, तो इससे बचाव रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो गर्मी और लू का दुष्प्रभाव बुरा प्रभाव शरीर पर हो सकता है। घर से बाहर निकलते समय एक गिलास ठंडा पानी पी लेना चाहिए और एक साबुत प्याज जेब में रखें। इन उपायों से लू नहीं लगती। बाहर से लौटकर घर आ रहे हैं तो तत्काल ठंडा पानी न पीना चाहिए। थोड़ी देर ठहर कर पसीना सुखा कर और शरीर को ठंडा करके ही पानी पीना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो लू लगने या जुकाम होने की आशंका रहती है। एक वक्त में एक गिलास से अधिक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित और किसी भी वस्तु चीज का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना भी स्वास्थ्य के लिए अहितकर होता है। जब लू चल रही हो तो घर से बाहर ना निकलें, और निकलना बहुत ज़रूरी है तो कपड़ा लपेट कर या साटा लगा कर निकलना चाहिए। बाहर धूप में घूमते हुए ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। रात को 10 बजे के बाद जागना पड़े तो एक घंटे से एक गिलास ठंडा पानी पीते रहें। इससे वात और पित्त का प्रकोप नहीं होता तथा शरीर में गर्मी नहीं बढ़ पाती। इस ग्रीष्म ऋतु में शीतल और तरावट वाला आहार व्यवहार करना चाहिए। प्रातः सूर्योदय से पहले उषापान करके शौच जाना, स्नान करना और वायु सेवन हेतु घूमने जाना आदि नित्य कर्मों को सूर्य उदय होने से पहले ही कर लेना चाहिए। दिन भर में एक गिलास करके घंटे भर से बिना प्यास के भी पानी पीते रहना चाहिए। ये उपाय शरीर और स्वास्थ्य की कई रोगों से रक्षा करता है। तेज मिर्च मसाले और गर्म प्रकृति वाले व्यंजनों, मांसाहार, अंडा, शराब आदि का सेवन करने से एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में रुकावट और जलन आदि व्याध्या बीमारियां पैदा हो जाती है, अतः इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में आयुर्वेद शास्त्र ने मधुर रस युक्त स्निग्ध तरल शीतल रसीले तरावट वाले पदार्थों का सेवन विशेष रूप से करने का निर्देशित किया है। सुश्रुत संहिता में लिखा है, शर्करा खंड दिग्धानी सुगंधिनी हिमानी च पानकानी च सेवेत मंथा सच्चापकी सशर्करान भोजनम च हितम शीतम सघृतम मधुर द्रव्यम शर्तेन पैसा रात्रो शर्करा मधुरेण च। अर्थात बर्फ से ठंडे किए हुए मधुर और सुगंधित शीतल पेय तथा जल व घृत से युक्त सत्व का सेवन करना चाहिए। भोजन भी ताजा स्निग्ध सेकना युक्त और मधुर रस युक्त करना चाहिए और रात को सोते समय उबालकर ठंडा किया हुआ मीठा दूध पीना चाहिए। इस प्रकार से आहार लेने से शरीर में स्निग्धता, चिकनाई और सौम्यता यानी सुंदरता बनी रहती है, जैसे शरीर पर ग्रीष्म ऋतु का दुष्प्रभाव नहीं हो पाता। धन्यवाद।